दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां महिलाएं एक से ज्यादा पति रखती हैं। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा में। दोस्तों, भारत में भी एक समुदाय ऐसा है जहां पर महिलाएं एक ही घर के कई भाइयों से शादी करती है। कई देशों में आपने देखा होगा कि एक महिला के कई पति होते हैं। आखिर किन-किन देशों में यह नियम है कि वहां महिलाएं एक से ज्यादा पति रख सकती हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किन देशों में महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने की आजादी है। नंबर एक, उत्तरी नाइजीरिया। दोस्तों, उत्तरी नाइजीरिया में इरिग्वे ट्राइब्स की महिलाओं को यह अधिकार है कि वो एक से ज्यादा पति रख सकती हैं। एक से ज्यादा पतियों को यहाँ पर कोहसबेंड्स कहा जाता है। इरिग्वे समुदाय में हालांकि सन 1968 में काउंसिल ने वोट करके इसे गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। नंबर दो, केन्या। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त 2013 में केन्या में दो पुरुषों ने एक ही महिला से शादी करने की इच्छा जताई थी, क्योंकि वो दोनों ही उस महिला से प्यार करते थे। इस शादी के साथ ही महिलाओं को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार मिला था। केन्या में बहुविवाह करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नंबर तीन, चीन। दोस्तों, चीन में बहुविवाह बहुत आम बात है। वहीं चीन के तिब्बत में भी महिलाएं एक से ज्यादा पति रख सकती हैं। यहाँ पर लोग मानते हैं कि बच्चों को एक से ज्यादा पिता का प्यार पाने का अधिकार है। आमतौर पर दो सगे भाई एक ही महिला से शादी करते हैं। इस परंपरा को उन परिवारों ने आगे बढ़ाया है जो गरीब हैं और अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं चाहते हैं। नंबर चार, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी महिलाएं एक से ज्यादा पति रख सकती हैं। दक्षिण अमेरिका की बोरोरो समुदाय में इस प्रथा को किया जाता है। वहीं अमेजन संस्कृति के 70% लोग इस परंपरा में यकीन करते हैं। इसके अलावा टुपी कावाहिब भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। नंबर पांच, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जौनसार बावर और उत्तराखंड में जौनसार एक क्षेत्र है जहां पर लोग बहुविवाह को सही करार देते हैं। दरअसल ये लोग खुद को पांडवों का वंशज बताते हैं। ये लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी, उसी तरह से उन्हें भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नीलगिरी में स्थित त्रावणकोर और दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में भी महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने का अधिकार है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।